देखिए अब हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं, एक टर्म है जिसका नाम क्या है, एचपी। क्या नाम है? अभी हम लोग पढ़े ना, एपी पढ़ लिए, जीपी पढ़ लिए, अब एक टर्म क्या है, एचपी। एचपी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? हार्मोनिक मी प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अच्छा, हिंदी में क्या बोलते हैं? हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी, यस। ठीक है, हरात्मक श्रेणी, श्रेणी। अब देखिए जिस तरह से हम उधर से सब चीज आए हैं पढ़ते, इसका भी जानेंगे। इसका डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन मतलब परिभाषा। इसका अगर परिभाषा की बात किया जाए तो एपी सब के मालूम है ना जी? जी सर, हम लोग एपी का डिफिनेशन यही पढ़े हैं कि अगर दो लगातार पद के बीच में अगर आपस में अंतर अगर एक समान हो तो हमारा एपी कहलाता है। अगर हम एपी जान गए हैं तो समझो कि एचपी को जानना आसान है, क्योंकि एपी का जस्ट उल्टा आपका क्या होता है? एचपी होता है। हम कह सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ एपी इज कॉल्ड एचपी। एचपी गाइस, यानी कि एपी का उल्टा क्या कहलाता है? एचपी कहलाता है। इंग्लिश में लिखते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ एपी इज कॉल्ड एचपी। कहने का मतलब क्या कि हम लोग इन एग्जांपल पढ़े हैं कि 2, 4, 6, 8, 10 अगर ये प्रक्रिया हमको जाता है किस में रहता है? ये रहता है एपी में। एपी में तो हमारा एचपी का डिफिनेशन क्या कहता है? उल्टा क्या कहलाता है? यही चीज चला चल जाएगा, हमारा किसमें हो जाएगा जी? तेरह। इसको हम उलट दिए ना तो एचपी में हो गया सर। क्या हो गया? एचपी में हो गया। अब बताइए हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा एचपी में है? क्योंकि हमारा कोई सीरीज दिया हुआ है, तो हम कैसे जानेंगे कि एचपी में? हम एपी चेक कर लेंगे, उसको उलट करके देखेंगे। हाँ, उलट में अगर देखेंगे अगर एपी में तो मिल गया था सर, एपी में है। दिशा में नहीं, नहीं, क्योंकि डिफिनेशन हमारा क्या कहता है? एपी का उल्टा एचपी और एचपी का उल्टा एपी। जब ओकर उल्टा हो तो ओकर उल्टा हो तो यानी कि एपी का उल्टा एचपी और एचपी का उल्टा एपी। एचपी भी होता है? नहीं, एचपी यानी बोलने का मतलब क्या हुआ? देखिए एपी जो होता है 1/HP, एचपी ऐसे लिख सकते हैं ना, एपी बराबर 1/HP। तो यहां से यही तो लिखा जा सकता है कि एचपी बराबर 1/HP। हां सर, जब दोनों एक दूसरे को उल्टा है तो लिखेंगे ना कि एपी का उल्टा एचपी। तो एपी का तो उल्टा एपी, यस सर। हम तो उल्टा था तो हमारा उल्टा ना, हां आराम से उल्टा, यानी कि दोनों में पोजीशन का रिलेशन हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यस सर। नहीं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लेते हैं कि 1/3, 1/6, 1/9, 1/12 चीज चला जा रहा है, बताइए था किस में? ये हो गया जीपी में, एचपी में। एचपी में है 1/3, 1/6, 1/9, 1/12 ये हमारा किस में बजेगा? आर इन एचपी। क्यों एचपी में होगा? क्योंकि एपी में है, क्योंकि के बाद एपी में पता चलता है कि है 9, 12। अगर इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारा किस में दिख रहा है? एपी के, एपी में दिख रहा है, इसीलिए हमारा किस में बन जाएगा? एचपी में। एचपी में, क्योंकि एपी का। तो हम समझ में आ गया ना कि एचपी कैसे पहचानेंगे? यस सर। अब जिस तरह से हम लोग एपी जीपी में सब पढ़े हैं कि विभिन्न प्रकार के टर्म कौन कौन होता है, जैसे पहला टर्म को क्या बोलते थे? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। नहीं, फर्स्ट टर्म बराबर एक से इंडिकेट करते थे या टी1 से इंडिकेट करते थे? यस सर। एचपी में भी वही कहानी होगा, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए1 या टी1 से इंडिकेट करेंगे। नहीं, अच्छा टोटल नंबर ऑफ टर्म मतलब क्या? टीएन। टोटल नंबर ऑफ टर्म फुल पदों की संख्या जिसको हम लोग एन से इंडिकेट करते हैं। यस सर। सब ऐसे पढ़े जा रहा है, सब का नाम एक ही रहेगा जी सर, लेकिन अंतर सब में है कि कौन कौन कितना किसका कहां कहां होगा। वर्तमान में इसमें भी कहानी होगा कि अच्छा इसमें भी हमारा अंतर आएगा जो सीडी और डी के टर्म में आएगा ना, कॉमन डिफरेंस। तो इसका भी कॉमन डिफरेंस जब बनावेंगे
तो हम लोग एचपी का निकाल करके उसको उलटे। हाँ, तो इसका जो सी डी या डी होगा n टर्म माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म, एचपी का जो कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा n टर्म। अरे इसका जो कॉमन डिफरेंस और डिफरेंस निकाल के उलट देंगे तब ना इसका निकल जाएगा। जी सर, समझ रहा बात? यस सर, वही प्रक्रिया कर देंगे हम जब हम लोग अति करेंगे था, यानी कि जब इसका भी हम मान लेते हैं कि अगर हमको लास्ट टर्म निकालना होगा, यानी कि अगर हमको टीएन निकालना होगा एचपी का, ठीक है, अगर हमको एचपी का टीएन निकालना होगा तो क्या करेंगे, एपी का टीएन पहले निकालेंगे, एपी का टीएन निकाल कर उलट देंगे, क्योंकि डिफिनेशन है उल्टा है। यस सर, उसी प्रकार अगर एसएन का अगर हमको 1 बटा एन सर माइनस एसएन निकालना होगा, एचपी का एसएन ठीक ना, एपी का तो इसका भी वही कहानी साफ होकर चीज होगी, एपी का एसएन निकालेंगे उलट देंगे। देखिए यहां लिखना चाहिए था, हम लिख रहे हैं यहीं पर एचपी और टीएन, कोई बात नहीं, समझना है बस यही समझना है कि अगर हमको एचपी का टीएन अगर निकालना होगा तो एपी के टीएन निकालेंगे और क्या कर देंगे उलट देंगे, अगर हमको एचपी का एसएन निकालना होगा तो एपी का एसएन निकालेंगे और क्या कर देंगे उलट देंगे। क्लियर है बात? क्लियर है, समझा गया ना? यानी कि जब भी अगर हमको निकालना होगा कि हमको एपी का टीएन निकालिए एचपी का टीएन निकालिए तो पहले क्या करेंगे हम एपी का टीएन निकालेंगे उलट देंगे, नहीं हम सामने इन एग्जांपलों से आपको कुछ बना करके दिखाते हैं। देखिए इसको हम हटाते हैं, देखिए अब एचपी के बारे में जान गए, क्या क्या चीज जाना चाहिए बताइए, हम लोग यही ना जाने कि अगर हमको एचपी का अगर टीएन निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे एपी का टीएन निकालेंगे, क्या करेंगे उलट देंगे। हम लोग ये भी जान गए कि अगर हमको एचपी का एसएन निकालना हो तो एपी का एसएन निकालेंगे और इसको उलट कर देंगे, 1 बटा करेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल में आपको हम बता रहे हैं, मान लेते हैं कि एग्जांपल इस तरह से जा रहा है कि 1 बटा 2 1 बटा 4 1 बटा 6 1 बटा 8 1 बटा 10 अगर यहीं तक मान लेते हैं या हमारा कहां तक जाएगा, मान लेते हैं कि डॉट डॉट टू 50 टर्म्स, क्या जा रहा है 50 टर्म्स तक जा रहा है, और हमको निकालना है ना कि बताइए एचपी का हमको 50वां पद क्या होगा, हमको ये निकालना है एचपी का 50वां पद निकालना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे एचपी का 50वां पद निकालने के लिए सबसे पहले एपी का 50वां पद निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए एपी का 50वां पद निकालने के लिए जानते हैं कि एचपी में अगर हमको है कब, क्योंकि इसका उल्टा एपी होता है, यस सर, तो एपी में हमारा सीरीज कैसे बनेगा, 2 4 6 8 10 6 8 12 14 16 18 जाएगा, यस सर जाएगा ना, यस सर। और एपी का 50वां पद निकालने के लिए हम पहले ही समझा चुके हैं, अगर इसको हम a प्लस 49 डी कर दें तो हो जाएगा, यस सर, होगा ना, यानी कि a प्लस 49 डी या फिर a बराबर a प्लस n माइनस 1 डी पर भी निकाल लेंगे। अब बताओ यहाँ पर ए हमारा कितना है, दो दो उनचास, कॉमन डिफरेंस कितना होता है दो पदों का, दो तो चार में से दो गया था, दो अब बताओ उनचास दो नहीं अंठानवे, अंठानवे दो सौ, सौ ठीक है, यानी कि एपी का हमारा 50 पद क्या गया, सौ आ गया। जब हमारा एपी का 50 पद निकल गया तो हम आपको क्या बोले कि इसी पे उलट देना है, उलट आ जाएगा किसका, इसका मतलब है कि एचपी का 50 पद क्या हो जाएगा 1 बटा 100, सर तो 1 बाय 50 टर्म्स होगा ना, जाएगा 50 टर्म सर ना, लेकिन 50वां टर्म कौन होगा, तो यहाँ पर होगा 1 बटा 100, 50वां संख्या निकालना, 50वां संख्या निकालना है, कौन है 50वां पद, ना कि हम 1 बटा 50वां टर्म थोड़ी लिखे, 50वां टर्म आ गया ना 1 बटा 100, इसको हम एक गिनेंगे कि 1 बटा 1 वां, इसको दो गिनेंगे कि 1 बटा 2 वां, दूसरे ना दूसरे पद ना है, यस सर, उसी पर खाली 50वां है तो 1 बटा 100 हमारा आएगा, समझ आ गया ना, कि अगर हमको जो भी पद पूछेगा तो हम क्या करेंगे एपी का टीएन निकालेंगे, हम उसको उलट देंगे, ठीक। इसको पर हम एक एग्जांपल आप देकर समझाते हैं, इसको हो गया, यस उतर गया क्या, वो समझा लें तो सर, रुकिए सर, देखिए
अब हम अभी हम लोग एक एचपी का टीएन पर एक उदाहरण देकर समझे, अब हम थोड़ा सा एक एचपी का एसएन पर उदाहरण देकर समझाते हैं आपको। मान लेते हैं एक एग्जांपल आपको दिया है 1/3 + 1/6 + 1/9 + 1/12 + 1/15 हो गया। यही टर्म मान लेते हैं, कहां तक जाएगा? मान लेते हैं कि 20 टर्म तक जाएगा, 25 टर्म। सर ठीक है, यस सर। यानी कि 1/3, 1/6 + 1/9 + 1/12 इस सबको क्या करना है? जोड़ना है। यानी कि जो भी 25 को पद है हमारा, उसको हमको जोड़ने का काम करना है। तो सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्यूशन बनाने के लिए, पहले तो हमको ये जानना होगा कि यह एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है। एचपी में है, क्यों एचपी में है? क्योंकि इसका पलटने के बाद एपी में आ रहा है। जैसे 1/3 × 3 रोटेशन में क्या होगा? 3, 6, 9, 12 ऐसा पूछ में आ जा रहा है। एपी में, एपी में आ रहा है ना जी। यानी कि जो भी 25 को पद जा रहा है इसका उलट, उसका उल्टा एपी में हो रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं है कि इसमें एचपी में है। अब हमको बताइए कि इसको निकालना क्या है कि 25 पदों का योग, यानी कि एचपी का हमको एसएन निकालना है। और एसएन कहां तक जाएगा? S25 तक जाएगा। एचपी का S25 निकालना है, यानी कि 25 पदों का तिरपन। पहले ही बताइए इसमें 25वां पद हमको दे रहा है उसका भी अंतिम पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम? पहले इसका अंतिम पद निकालेंगे, तब ना सबको जोड़ेंगे। तो बताइए सीरीज हमारा इस तरह से बनेगा। तो अगर यहाँ से हमको एपी का मतलब 25 आ गया तो हमारा एचपी का 25 1/75। यानी इससे पता चल गया कि हमको लास्ट टर्म क्या होगा? 1/75। अब हमको जोड़ना है 1/3 + 1/6 + 1/9 इस तरह से करके कहां तक? 25 तक। तो अब बताइए जब यहां से हमको E25 निकल गया तो उस तरह से S25 भी निकल जाएगा एपी का, निकलेगा ना? अच्छा, अगर वो हम नहीं निकालते तो हम निकाल सकते थे ना, क्योंकि एन तो मालूम था। नहीं निकालते तो निकालते हैं। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? इसका हम S25 निकालेंगे। किसका? एपी का। N/2 × 2 + N-1 और इसका दो फॉर्मूला हमको मालूम है। एक फॉर्मूला है N/2 × A + TN। अगर हम TN निकाल दिए तो TN वाला रखेंगे। अगर TN नहीं भी निकालते तो हम क्या रखते हैं? इस फॉर्मूला पर बनाते ना N/2 × 2 + N-1 × D। हम इस पर बनाते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ निकाले या ना निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। हमको N मालूम है ना, ये मालूम है ना, D मालूम है ना। ठीक, तो चलिए जब हम निकालिए तो इसी पर रखते हैं। N का मान कितना? N का मान 1/75 है। इसमें ना निकाल रहा है N का मान 25, एपी का निकाल रहा है। तो N का मान 25 बट्टा 2, A का मान कितना? A का मान 3। और TN का मान कितना? लास्ट में कितना है? 75। एपी का लास्ट 75 ना है सर। ठीक है, अब बताइए 25 बट्टा 2 गुणे 75 है 78 से 2 कट जाएगा 78 25 में 40 से गुणा करेंगे तो कितना रिजल्ट आया? 25 में 40 से गुणा करेंगे तो 25 नवा 925 25 3 6 7 5 5 2 7 7 2 975। यानी कि 1/975 हमारा आंसर। तो कितना आसानी से हम लोग समझ गए? जी सर, समझ गया ना? यस सर। जब हम भी समझ गए तो आइए अब हम देखते हैं कि एचपी का अगर हमको माध्य निकालना होगा तो कैसे निकलेगा। जिस तरह से एपी का माध्य निकाले, जीपी का माध्य निकाले, तो एचपी का भी माध्य होगा। तो लास्ट टाइम देखते हैं इसमें हम कि एचपी का माध्य कैसे निकाले। चलिए देखिए, अब हम लोग एचपी का टीएन निकालना जान गए, एचपी का एसएन निकालना जान गए, उदाहरण के साथ अच्छी तरह से समझ गए। अब हम लोग इसका लास्ट पद जानेंगे कोची कि अगर हमको एचपी का अगर माध्य निकालना हो, क्या
अगर हमको एचपी का अगर माध्य निकालना हो तो कैसे जानेंगे? क्योंकि जिस तरह से एचपी का माध्य निकालना हम लोग जाने ना जी जीएम बोलते हैं, जीपी का माध्य निकालना जाने ना हम लोग जीएम बोलते हैं, जिसका अंडर रूट एबी हुआ, एपी का हुआ प्लस बी बटा टू, जीपी का हुआ अंडर रूट एबी। अब एचपी का क्या होगा भी हमको देखना है। देखो एचपी का माध्य के लिए हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे एचएम, और एचएम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हार्मोनिक मीन। क्या बोलेंगे? हार्मोनिक मीन। हिंदी में क्या बोलेंगे? हरात्मक माध्य। ठीक है। तो अब देखिए मान लिया जाए ए और बी के बीच में एचएम है और बी कोई दो पद है जिसका हमको एचएम निकालना हो यानी हार्मोनिक मीन निकालना हो, तो मीन हमारा कहाँ होता है? हमेशा बीच में होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं एचएम। तो ये तीनों पद हमारा किस में है? आर इन एचपी एचपी में है ना, ए एच एम और बी हमारा एचपी में, तो एपी में करेंगे तो नंबर। अब जिस तरह से हम लोग एचपी का टीएन निकाले के लिए एचपी का टीएन निकाले, एचपी का एसएन निकाले के लिए हम लोग एपी का टीएन निकाले, तो उसी प्रकार अगर इसका माध्य भी निकालना होगा तो क्या करेंगे? पहले हम एपी में माध्य निकाल लेंगे और एपी में बदलने के लिए क्या होगा इसका उल्टा, यानी कि 1/a, 1/hm और 1/b हमारा किस में हो जाएगा? एपी एपी होगा ना, उलट देंगे तभी में हो जाएगा ना, चाहे जो लगे एपी का उल्टा एपी, एपी का उल्टा एचपी। हमारा एचपी में टर्म अगर इस तरह से लगाना चाहिए ना सर एपी में, कोई जरूरी हमारा टर्म अगर ए एचएम बी अगर एचपी में है सपोज तो उसका उल्टा होगा कि नहीं होगा? एपी हो गया। हां ये उल्टा है एचएम का भी आ रही एपी, वो सब कैसे बनाना है आपके अभी हम तो यही ना ये अभी मान के बनाया है। अब देखिए जब ही मेरा एपी में हो गया तो अब यहाँ से बताओ अभी देर हो लगा दो एक घंटा से ज्यादा छह चार बजे यहाँ से। अरे यहाँ से देखो कि दो पदों का कॉमन डिफरेंस और यहाँ से दो पदों का कॉमन डिफरेंस जो निकलेगा हमेशा बराबर होगा। यस सर, यानी कि जो सी डी या डी जिसको बोलते हैं इसका क्या होगा 1/hm - 1/a और इसका क्या होगा 1/a - 1/b और ऐसे भाग देंगे तो यहाँ बी, बी से भाग देंगे तो यहाँ ए, यहाँ ठीक है ठीक है ठीक है हाँ क्या हो जाएगा ए होगा। अब यहाँ से करने का मतलब क्या है कि हमको फाइनल यही आया है कि 2/hm = a + b / a b हमको तो एचएम निकालना है, अगर इधर से उठेंगे तो रोल लौट जाएगा, यानी कि हमको अगर एचएम निकालना हो तो एचएम बटा 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा ab / a + b a + b हो जाएगा, एचएम बराबर 2 a / a + b निकाल लेंगे तो ये हमारा दो उधर चला जाएगा जाएगा जी सर a + b। तो अब बताइए कि इस तरह से हमारा हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या हो गया, एचएम बराबर a + b हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, उन दोनों पदों के गुणनफल का दुगना बटे उन दोनों पदों का योग। जैसे एग्जाम्पल में अगर मान लेते हैं, एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि हमारा 1/4 और 1/9 ठीक है, 1/4 और 1/9 2×9 = 36
तो एचपी का हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे बहुत आसानी से आ जाएगा। अब कंपटीशन एग्जाम में आपको अगर कुछ भी पूछता है एफपी जीपी एचपी से समझे जितना हम पाठ बताए हैं आसानी से सब आ जाएगा। ठीक ना, तो चलिए आज के क्लास को हम इसका यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, और वीडियो जितने भी लोग देखिएगा उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और जो भी नया विद्यार्थी है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।